So तो जिसमें से डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है डीप वॉटर डीप वॉटर जिसे लिखा है, विलियम ने एक ऐसी स्टोरी है जो आपको मजबूर कर देगी आपके डर को हराने में देखो जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारे पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं या तो उस डर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और जिंदगी का हिस्सा बनाकर उसके साथ जीते रहें उसे एक्सेप्ट कर लें और दूसरा उसे एक्सेप्ट तो करें पर उसे हराने की हर मुमकिन कोशिश करें हम उसके सामने हार माने नहीं तो यहां पर विलियम डगलस के साथ भी कुछ ऐसा ही था विलियम डगलस भी डरते थे पानी का उन्हें बहुत ज्यादा डर

हाँ मेरे को पानी के पास नहीं जाना और दूसरा ऑप्शन उनके पास में ये था कि उस पानी के डर को वो हराए और उन्होंने वही किया अपने पानी के डर को ओवरकम कर लिया ठीक है तो यहां पर हम वही पढ़ने वाले हैं फटा फटाफट से शुरू करते हैं तो बच्चों ये जो पूरी स्टोरी है ये पूरी स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है डगला हमें बताते हैं कि वो 10 या 11 साल के रहे होंगे जब वो स्विमिंग करने के लिए थोड़ा इच्छा अपनी दिखाते हैं क्योंकि आपको पता है लगभग यही ऐसी उम्र होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट दिफ्रें डिफरेंट एक्टिविटीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रिवर भी है जिसका नाम है याकिमा रिवर और वो जानी जाती है लोगों को डुबोने के लिए मतलब वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है उसका बहाव इतना ज़्यादा तेज है कि वहाँ पर अगर आप चले जाओ तो वहाँ डूब ही जाओगे इसीलिए उनकी मम्मी उन्हें बिल्कुल भी याकिमा रिवर के आसपास तका तक नहीं जाने देती है इनफैक्ट बार बार उन्हें डराती रहती है कि वहाँ पे देख ये डूब गया था देख वो डूब गया था अब तू भी डूबेगा ठीक है तो ऐसा वो हमेशा करती रहती है अब ऐसे में हमें पता चलता है कि यार फिर डगलस क्या करता है डगलस याकिमा रिवर में ना जाके वहीं पर एक पूल है वाई पूल वहां पर चला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ है और वहां पर बाकी सारे बच्चे भी स्विमिंग करने के लिए आते हैं तो लगे हाथ डगलस भी सीखने लग रहा होता है डगलस अभी नया नया वाटर विंग्स का पेड़ भी खरीद लेता है और फिर वहां पर यू नो अपना थोड़ा प्राइड सबड्यू करके क्योंकि उसको ना बिल्कुल भी बिना कपड़े के अंदर पूल में जाना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बिल्कुल अपना प्राइड सबड्यू करके

वो डर ना हमेशा जग जाता जब भी वो पानी में जाता तो आज जब डगलस पानी में जा रहा है नए वाटर विंग्स लेकर गया है एकदम फुल ऑन ठीक है कपड़े वगैरह भी पूरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर गया है तो वो डर वापस आ रहा है पर उस डर को वो हरा रहा है जैसे वो दूसरे लोगों को देखता है स्विमिंग करते हुए वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है और एक एक करके वो सारी चीजें सीख जाता है और स्विमिंग करने लग ही रहा होता है कंफर्टेबल पानी के साथ हो ही रहा होता है कि इतने में उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है एक अनहोनी हो जाती है यार ये मिस एडवेंचर तब होता है जब डगलस हर रोज की तरह आज भी स्विमिंग करने आया होता है पर आज वो अकेला होता है पूल एकदम साफ था आसपास कोई नहीं था और इसीलिए डगलस ने डिसाइड किया कि वो सबका पहले थोड़ी देर इंतजार करेगा और फिर ही वो अंदर जाएगा क्योंकि उसे अकेले अंदर जाने में डर लगता है अब जब तक कि वो यहाँ पर पूल साइड बैठा हुआ था एक बड़ा सा हट्टा कट्टा दिखने वाला इंसान जो है लगभग 18 साल का दिखने वाला जो इंसान है उसकी एंट्री होती है वो आता एकदम ऐसा ब्रूजर दिखता हुआ और जैसे ही वो वहां पर आता है आकर सीधा डगलस से पूछता है कहता है ओ पतलू तेरे को उठाकर अभी पूल में फेंक दूंगा तो कैसा लगेगा और जैसे वो ये कहता है डगलस कुछ कह भी नहीं पाता कुछ कर भी नहीं पाता इनफैक्ट डगलस तो उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है यही सोचने लग जाता है कि हाई ये कितना खूबसूरत है हाई इसकी मसल्स देखो इसके पाव देखो इसका चेस्ट देखो ये ना खूबसूरत लग रहा है डगलस तो ये सोच में पड़ जाता है और इतने में वो इंसान जो है उसे उठाकर और फेंक देता है और गहरे साइड में फेंकता है पूल के अब पूल के डीपर एंड में फेंकता है तो उसकी वजह से क्या होता है डगलस नौ फीट डीप पूल के अंदर डूब रहा है अभी डगलस बिल्कुल भी पानी के साथ फमिलियर नहीं है धीरे धीरे अभी फमिलियर होने ही लगा था और अब उसके साथ में ये हो चुका है अब यार यहाँ पे रीडर सोचता है हम लोग सोचते हैं कि भाई है, अब ये क्या डगल्स डूब जाएगा क्या डगल्स डर जाएगा क्या तो हमें यहाँ पर डगल्स बताते हैं कि नहीं नहीं उनको अभी डर नहीं लगा था वो इतना भयंकर नहीं डरे थे कि अपना सुदबुद बुद खो दे इनफैक्ट उन्होंने तो डूबते डूबते प्लानिंग भी कर ली थी उन्होंने तो ये भी प्लान कर लिया था कि जब वो नीचे जाएंगे टाइल बॉटम को टच करेंगे तो स्प्रिंग करके ऊपर आएंगे एक छलांग लगाएंगे और स्प्रिंग करके ऊपर आ जाएंगे फिर पैडल करेंगे और पैडल करके एज पे पहुंच जाएंगे पूल की और सेफ हो जाएंगे तो उन्होंने इस तरीके से पूरी की पूरी प्लानिंग भी बना ली थी अब ये प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे पहुंचना जरूरी था और वो बेचारे इतनी कोशिश कर रहे थे पर नीचे पहुंच ही नहीं पा रहे थे ऐसा लग रहा था नौ फीट डीप है कि नब्बे हाँ अब जब वो नीचे जा रहे हैं तो उनको नहीं पता है सांस रोकनी है सांस लेनी है क्या करना है क्या नहीं करना है वो पानी निकले जा रहे हैं निकले जा रहे हैं निकले उनके लंग्स ऑलरेडी फटने की स्थिति में आ चुके हैं पर कैसे जैसे अब वो नीचे पहुंच गए अब उन्होंने फटाफट से एक जंप मारा उन्हें लगा वो जंप करेंगे शूंकर के ऊपर आ जाएंगे कॉक की तरह और आएंगे और फिर फाइनली पैडल करेंगे और पैडल करके और पूल के एच तक पहुंच के सेफ हो जाएंगे इंस्टेड वो धीरे धीरे ऊपर आए बड़े धीरे ऊपर आए और धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे ऐसा लग रहा था नीचे कोई उन्हें खेच रहा है ऐसा लग रहा था जैसे उनके पांव के ऊपर कोई बहुत ही भारी वजन जो है बांध दिया गया है जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हाथ ऊपर आ जाए पाव ऊपर आ जाए कुछ नहीं हो रहा था उनकी पूरी बॉडी अभी नीचे थी सिर्फ उनकी आंख और नाक जो है आंखें और नाक जो है वो बाहर निकला था अब उनका ये प्लान उन्हें एकदम फ्लॉप होते हुए दिख रहा था फेल होते हुए दिख रहा था और अब वो नीचे की तरफ वापस आ रहे थे अभी भी जब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है मतलब उनका उनको पूरा पाँव जो है वो एकदम पैराल हो चुके हैं जवाब दे चुके हैं बिल्कुल पाव काम नहीं कर रहे आर्म्स काम नहीं कर रही पूरी बॉडी जवाब दे चुकी है सिर्फ और सिर्फ उनके दिल में और दिमाग में जो दुख दुख हो रही है ना बस वो चीज ये बता रही है कि वो जिंदा है और जब तक वो जिंदा है तब तक वो ट्राई करेंगे ऐसा उन्होंने सोच लिया था और इसीलिए वापस जैसे वो नीचे गए तो उन्होंने फिर से क्या किया फिर से जंप लगाने की कोशिश की और जंप लगाया और जंप लगा के जब वो ऊपर देख रहे थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो येल्लो वॉटर दिखा और कुछ नहीं खूब चीखे खूब चिल्लाए खूब ऊपर आने की कोशिश की चीजों को पकड़ने की कोशिश की कुछ मिल जाए वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है बस उस तिनके को ही डगलस यहाँ पर ढूंढ रहे थे यार कहीं पर कुछ तो मिल जाए किसी चीज को तो पकड़ लू कैसे तो ऊपर आ जाऊं पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था वो तो बड़े ही धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे और अभी भी उनकी आंखें और नाक ऊपर आया था और वो फिर नीचे जाने लगे जब वो नीचे जा रहे थे तो इतना ज्यादा डर गए थे इतना ज्यादा सहम गए थे और वो बार 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 प्रैक्टिस करके बार बार इस चीज को अप्लाई करके इतना ज्यादा थक चुके थे कि उनका दिमाग जो है उस एग्जर्शन को झेल नहीं पा रहा था और वो बेहोश होने लगे उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि अब तो उन्हें जंप करने की जरूरत ही नहीं है उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि बस अब तो वो सेफ है अब तो उनको उनकी मां ने गले लगा लिया है उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ की गोद में बच्चा सेफ होता है एग्जैक्टली वैसे ही वो सेफ है उनकी आंखें बंद हो गई और वो अनकॉन्शियस हो गए नेक्स्ट उन्हें बस ये याद है कि वो पूल के साइड में लेटे हुए उल्टियां कर रहे जा रहे थे और एक इंसान वहां पर खड़ा हुआ उस उस ब्रुइजर से पूछ रहा था उस बुली से पूछ रहा था अरे बच्चा मरने वाला था ये क्या किया तुमने तो ब्रुईजर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था बोला ऐसा मजाक जान लेवा मजाक वो दोनों उसको उठाकर लेकर गए लॉकर रूम में बेचारे घर जा सके उसके अंदर इतनी जान नहीं बची थी कि घर जा सके और घर जाके एक्चुअली अपनी मम्मी पापा को बता सके थोड़ा बाहर निकल सके इस चीज से वो बहुत घंटों बाद अपने घर गया और जब वो घर गया तो वो फिजिकली और मेंटली इस चीज को इस चीज से सफर कर ही जा रहा था जब वो घर गया तो वो बार बार चीख चीख कर उठता उसके अंदर से एक अजीब सा उसको डर महसूस होता वो खूब रोया खूब चीखा खूब चिल्लाया जाता था उसका पेट खराब हो जाता था उसकी उसकी टांगे काम करना बंद कर देती थी पानी से तो मानो उसकी दुश्मनी पनप गई थी अब वो पानी के अंदर पानी के आसपास जा ही नहीं सकता था बहुत सारे लोग उसे बोलते थे अरे इधर जाओ उधर जाओ अरे इधर देखो एक बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है इधर जाओ इधर बोटिंग करो इधर कैनोइंग करो इधर फिशिंग करो ठीक है इतने सारे एक्टिविटीज़ जो है वो मिस करता गया उसे लग रहा था यार मुझे भी वेडिंग करनी है मुझे भी कैनोइंग करनी है बोटिंग करनी है हाँ मुझे भी फिशिंग करनी है पर ये सारे एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकता था क्योंकि जब जब वो पानी में जाता पानी का वो डर जो है वो वापस आ जाता अब ऐसे में डगलस के पास या तो उस डर को एक्सेप्ट करके घर बैठने का ऑप्शन था या फिर इस डर से लड़कर इस हैंडीकैप से छुटकारा पाने का ऑप्शन था और डगलस ने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया बोला नहीं जी सकता मैं इस हैंडीकैप के साथ में रोज, रोज 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 इसके साथ में नहीं मर सकता हूं मैं या तो एक बार मर के खत्म कर देता हूं रोज रोज नहीं मरा जा, जाएगा मुझसे तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो इस डर को खत्म करेगा और एक अक्टूबर उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया एक ऐसे इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो कि उस, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा इस बात को समझेगा कि साइकोलॉजिकली कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और उस इंस्ट्रक्टर ने एग्जैक्टली exactly वही किया डगलस को पीस बाय पीस स्विमर बनाने में वो लग गया सबसे पहले तो डगलस की कमर पे एक बेल्ट लगाया और बेल्ट लगाकर एक रोप से पुली को पुली पे रोप लगाकर और उस रोप का एक एंड अपने हाथ में रख लिया तीन महीने तक तो डगलस को सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ फमिलियर करवाया कि तू तो पानी में सिर्फ फमिलियर हो उस रोप की मदद से उसे आगे पीछे आगे पीछे करता रहता पानी के अंदर थोड़ा सा उसको रिलीज करता थोड़ा सा वापस से खेचता हर बार जब डगलस पानी में जाता तो थोड़ा थोड़ा डर जो है उसका घटने लग जाता थोड़ा थोड़ा डर जो है वो हर बार शेड करने लगा डगलस रोज एक घंटा प्रैक्टिस करता था पांच दिन वीक में अब डगलस जब पानी के साथ थोड़ा फेमिलियर हो गया था तो अब उन्होंने उसे इनहेलिंग एक्सेलिंग सिखाई अब कैसे अपने लंग्स को बस्ट होने से बचा सकते हो पानी के अंदर और एक नहीं दो नहीं हंड्रेड ऑफ टाइम उसने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया अब इसके बाद में पूल के एज पर उसे पकड़कर और बोला खूब किक कर पैडल कर मैंने तुझे पकड़ा हुआ है जब उसने एक एक पीस कंप्लीट कर दिया तो फाइनली उसने सारे पीसेस को जोड़कर और डगलस को बोला अब तुम स्विम करो अप्रैल के अंदर उसने कहा कि देखो मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका है अब बस तुम्हारा काम बाकी है तुम तुम मेरे उससे तो तुम चाहे कोई सा भी यू नो क्रॉल स्ट्रोक कर लोस्ट ब्रेस्ट स्ट्रोक कर लो तुम साइड स्ट्रोक कर लो तुम जैसे चाहो वैसे स्विम करो इंस्ट्रक्टर का, का काम तो कंप्लीट हो चुका था पर डगलस का काम अभी भी बाकी था डगलस को अभी भी ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्टर था जिसकी वजह से वो स्विम कर पाया है कई ऐसा तो नहीं कि अकेले अगर वो स्विम करने लगे तो वो डर वापस आ जाए इसीलिए डगलस ने पूल में अकेले स्विम करने की ठानी और जब उसने अकेले स्विम किया तो डर वापस आया भी मिनिएचर में तो जब डर वो वापस आया तो डगलस ने उससे बात की उसे एक्सेप्ट किया उसका सामना किया और उसे हरा दिया अरे क्या क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा हा? क्या बिगाड़ लेगा मेरा ऐसे बात करने लगे वो उस उस डर से मिस्टर टेरर उसे बुलाते थे और इतने में वो डर गायब हो जाता अभी भी डगलस को संतुष्टि नहीं आई थी फिर उसने दो महीने के अंदर ट्राई किया नहीं मैं ऐसा नहीं कर, कर सकता मेरे को अभी मैंने पूल में ट्राई किया मैं और ज्यादा ट्राई करना चाहता हूं मैं हर एक पानी में ट्राई करना चाहता हूँ तब जाके मुझे संतुष्टि आएगी कि मैं इस हैंडी से फ्री हो चुका हूँ और उसके बाद में उन्हें एक ऐसी ऑपरचुनिटी मिली न्यू हेम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में उन्हें एक ऐसी ऑपरचुनिटी मिली जहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस लेक के अंदर क्या करने वाले हैं वॉम लेक के अंदर स्विम करने वाले हैं और अपने डर को कंप्लीटली हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने वाले हैं तो बस फिर क्या फिर आराम से सारे कपड़े उतारे और उतार के फटाफट से डुबकी मार ली उन्होंने और जैसे ही उन्होंने डुबकी मारी वो वार्म लेक के बीचों बीच जैसे ही पहुंचते हैं तो उनका डर वापस आ जाता है फिर से उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि बीचों बीच थे नीचे गहरा पानी वो डर वापस आता है वो डर से फिर बात करते हैं फिर उसे एक्सेप्ट करते हैं उसका सामना करते हैं और वो डर धुआ हो जाता है वो स्विम करते हैं और वापस से उसके किनारे तक पहुंच जाते हैं और अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं

और या फिर इस डर से वो निकला है और कोई इस कोई नहीं समझ पाएगा इस चीज को वो डगल, इस पॉइंट के साथ में ये भी कहते हैं कि यार हम लोग ना बहुत ज्यादा डरते हैं और हमें डरना ही डर से है हम लोग को ऐसा लगता है कि हम मौत से डरते हैं नहीं 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 डेथ में तो पीस है डेथ तो बहुत पीसफुल है हम मौत के डर दर से डरते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट रूजवेल कहा करते थे ऑल वी है Douglas ने कहा हमें डर को डराना है हमें डर को हराना है फाइनली उन्होंने कहा मैंने तो दोनों चीजें एक्सपीरियंस की है चाहे वो मौत हो या फिर मौत जो डर प्रोड्यूस करती है वो हो मैंने क्योंकि ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस की है मेरी अंदर से जीने की इच्छा जो है ना वो बढ़ गई है और आज इस मोमेंट पे मैं रिलीवड फील कर रहा हूं मैं रिलीज फील कर रहा हूं ऐसा लग रहा है जैसे उस हैंडी कैप से मैं मुक्त हो चुका हूं अब मैं जो चाहे कर सकता हूं मैं ट्रेल्स पे जा सकता हूं, सकता हूं हूं ट्रैकिंग कर स्विमिंग कर सकता हूं कैंपिंग कर सकता हूं सब कुछ कर सकता हूं और इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट फाइनली अपने डर को हरा देते हैं अपने हैंडी कैप से फ्री हो जाते हैं और अपनी वो जिंदगी जीते हैं जो कि एक्चुअली उनके मुताबिक है वो जो करना चाहते हैं वो वो करने की फ्रीडम अपने आप को दे देते ये फ्रीडम बच्चों हमेशा हमारे हाथ में होती है हमें सिर्फ ट्राई करने की देर होती है तो दैट्स इट फॉर द चैप्टर डीप वाटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में और आपको नोट्स मिल जाने वाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहां पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा इसके साथ में आप इसका फ्री टेस्ट लेना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर आई लव यू गाइस